That is on the way. He's coming. Yeah, yeah. So, Manavu, what are you on the way? Yeah, I'll just... Sir, we get you seated. Okay, okay. No, you do not. Ah, sir. Sir, very nice. Thank you. You know the kids? They are coming. Are they? Okay. Yes, sir. Main attraction of the movie. I think they want time. I just introduced Hardik. Hardik, come. I have seen your film. We loved it. Great job. Great job, absolutely. I'm just... Where are the other guys? They are coming. On their way. Good. You continue, continue. Yes. Yes, sir. Come, yes. Here we go. So, yeah. Give it. Give it. Thank you guys. Last बस. जब मैं पिक्चर से बाहर आया मैं at least 5 minutes के लिए नम था मतलब कि क्या मैसेज इस फिल्म में दिया है because I think that अगर एक झाड़ बचाने के लिए 5-6 kids अपनी पूरी ज़िंदगी डाल सकते हैं तो I think it's a very very clear message कि हम लोग को आज ही ये एक्शन करना पड़ेगा चाहे आप हमने अपने घर में हम प्लांट्स बढ़ाएं या फिर बाहर हम लोग ट्रीज बढ़ाएं I think it's very important कि हम लोग नेचर का ध्यान रखें क्योंकि इतने करोड़ों सालों से नेचर हमारा ध्यान रख रही है और जिस दिन नेचर की दिमाग घूम गया तो I think everything will go haywire तो I think इस फिल्म में वो बहुत ही कट टू कट क्लियर मैसेज है कि आज इसी वक्त हमें एक्शन लेना है सेव आवर ट्रीज तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज मिमो आपने इसका प्रोमोज देखा है आपके डैडी काफ़ी समय के बाद डिस्को करते हुए नजर आएंगे जी जी बिल्कुल मैं म्यूज़िक वीडियो की शूटिंग पर नहीं जा सका बट मैंने उसका ग्रफ कट देखा था और मैंने प्रोमोज भी देखे देखिए मिथुन चक्रवर्ती विल ऑलवेज बी मिथुन चक्रवर्ती उसमें कोई और बात है नहीं तो डेफिनेटली वो जब डिस्को करते तो मैं चुपचाप जाके उधर साइड में खड़ा हो जाता हूँ क्योंकि आज भी मुझे उनके डांस से कॉम्प्लेक्स है So I think Mithun Da will always be Mithun Da. Mithun Da तो disco का style है, आपका style क्या है? मेरा style तो I think जनता ही बोल पाएगी क्योंकि अब तक तो मैं बस Bollywood में पूरा Western Indian fuse करके कुछ अपना कर रहा हूँ, but definitely मैं अलग-अलग किस्म के forms के dance भी सीख रहा हूँ, so let's hope जो film में जिसकी ज़रूरत हो मैं वही पेश करूँगा। काफी different नजर आ रहे हैं आप इन दिनों क्या ये किसी film का look है? आई थिंक इसमें 2 आंसर्स है एक है कि ऑफकोर्स ये एक न्यू फिल्म का लुक है और जिसके लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ और दूसरी बात है कि जिमी के बाद मुझे बहुत लोगों ने कहा कि मिमो तुम अभी एज एन एक्टर एज ए हीरो फिट नहीं हो तुम्हें बहुत वेट लूज़ करने पड़ेगा तुम्हें आज के ज़माने में तुम्हारे पास जितने 6 पैक्स है कि 8 पैक्स है उसमें तुम बड़े स्टार हो आज अगर तुम एक्टिंग अच्छी करो तो कोई देखता नहीं है आज तुम कितने लीन हो तुम्हारे बाल कैसे तुम्हारे लुक कैसा है वो आज इन है तो मैंने सोचा चलो ठीक है आज की स्टाइल से चढ़ो तो इसलिए 1 साल मैंने अपने आप को चेंज किया और आज आपके सामने खड़ा हूं। तो आप इस बात को मान रहे हैं कि इंडस्ट्री में एक्टिंग से ज़्यादा लुक्स भी इम्पोर्टेंट है? इस मोड पे इस जो हमारा जो दौर चल रहा है अभी जो वेस्टर्नाइजेशन और हॉलीवुड को मिक्स करके जो स्टाइल ज़्यादा सोल कम जो मोड चल रहा है आई थिंक आई एम सॉरी आई एम सेइंग दिस बट जो सच है आई थिंक इस समय में लुक्स होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज आई थिंक गोइंग विद द स्टाइल गोइंग विद द ट्रेंड फिर भी मुझे काम मिलेगा वरना मैं घर पर ही बैठा रहूँगा अभी की स्टाइल के लिए आप किसी से टिप्स ले रहे हैं क्या अभी की स्टाइल आई थिंक टिप्स देने के लिए मेरे पास मेरे घर पर ही मेरे सबसे बड़े आइडल बैठे हुए हैं मेरे डैड मिथुन क्योंकि वो जानते हैं कि क्या बिकता है क्या नहीं बिकता है हाउ टू कैरी योर सेल्फ मैं जो भी आज हूँ जो आज आप जो ड्रेस भी देख रहे हैं आज जो मेरा लुक देख रहे हैं इसमें उनका सजेशन 100% रहा है उन्होंने मुझे हमेशा बताया देखो मिमो ये तुम पर सूट करेगा तुम ये ग्लासेस पहनो तुम ये घड़ी पहनो बिकॉज ही इज़ माई फादर एंड दुनिया के लिए वो एक सुपरस्टार है पर मेरे लिए वो एक फादर है तो उनसे मैंने बहुत सीखा है एंड आई थिंक 90% आई ओव टू हिम मेरी अभी 2 फिल्म रेडी है फॉर रिलीज़ एक तो अभी जिसकी लूट जिसकी अभी एडिटिंग चल रही है फर्स्ट कट अभी बहुत ही जल्द निकलेगी एंड द मर्डरर जो सलीम अख्तर की है उसकी मैंने मैं ट्रायल अभी देखी बट दोनों में ऑफ कोर्स अगेन 1 साल पुरानी पिक्चर है क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था पोस्ट प्रोडक्शन में बट उसमें भी मेरे उस फिल्म में ज़मीन आसमान का फ़र्क है सो डोंट गो फॉर दैट लुक गो फॉर दिस लुक ट्रस्ट मी वो आई थिंक प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर्स में उनका थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। आई थिंक जितना मैं कम कहूँगा उतना ही बेटर है, क्योंकि एज एन एक्टर मैंने अपना 100% दे दिया है फिल्म को। मैंने अपनी डबिंग की, मैंने पिक्चर देखी एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द फिल्म एंड आई थिंक रेस्ट इज अप टू द डायरेक्टर, द प्रोड्यूसर एंड द डिस्ट्रीब्यूटर्स। मिमो डांस इंडिया डांस शो में क्या आप गेस्ट के तौर पर परफॉर्म करने वाले हैं? ट्रस्ट में मुझे बहुत इच्छा थी, बहुत उम्मीद थी कि मैं एक बार मैं इन्वाइट हो जाऊँ डांस इंडिया डांस में, बट आप जानते हैं मिथुन कैसे है, वो बहुत ही प्रोफेशनल है। उन्होंने कहा कि मीमो जब तक तुम्हें खुद जी टीवी इन्वाइट ना करे तुम नहीं आओगे। मैं एक बार गया था ऑन द सेट जस्ट टू सी द फील, बट आई थिंक उन्होंने अब तक मुझे बुलाया नहीं। आई एम टोटली कूल विद इट। मैं घर में देख के सब उनके एपिसोड्स रिकॉर्ड करता हूँ और जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उनसे मैंने इतना सीखा है। एंड आई थिंक डांस इंडिया डांस इज़ अ टोटली ब्रेक थ्रू फॉर ऑल रियलिटी टीवी शोज, और अभी 30 तारीख को उसका फाइनल है, तो आई एम जस्ट फिंगर्स क्रॉस, देखते हैं क्या होता है। अब तक आपके पापा ने इंडस्ट्री में बहुत सारी फिल्में दी हैं, तो उसमें से ऐसी कोई सी फिल्में जो पापा ने आपके जो आपने अभिनय किया उसमें से कोई फिल्म होगी जो आप करना चाहेंगे, उसका रीमेक बने? और डेफिनेटली वो होगी फूल और अंगार, क्योंकि मुझे याद है बचपन में आई थिंक इट वॉज 91-92 में जब आई थी फिल्म, तो मिथुन मुझे हमेशा ट्रायल में लेके जाते थे उस फिल्म के, और मैंने बहुत ट्रायल्स देखे उस फिल्म के, और फिर थिएटर में भी जाके मैंने देखी पिक्चर, फिर डीवीडी में देखी। तो आई थिंक दैट्स मिथुन्स फेवरेट फिल्म ऑफ माइन, और अगर फूल और अंगार रीमेक हो तो डेफिनेटली मैं काम करना चाहूँगा उसमें। इस फिल्म का म्यूजिक लॉन्च है, अगर आपने म्यूजिक सुना है, गाने सुने, तो क्या कहना चाहोगे, कैसे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इस फिल्म का म्यूज़िक है वो बहुत ही सिचुएशनल है। ऐसा नहीं कि क्योंकि सिर्फ गाने डालने हैं तो गाने आ गए, कि कोई सीन चल रहा था और कट टू कोई गाना आ गया। इस फिल्म में गाने उसी वक्त आते हैं जब उनकी ज़रूरत पड़ती है, एंड आई थिंक दे आर वेरी मेलोडियस एंड दे आर अटैचिंग टू द फिल्म स्क्रिप्ट। आई थिंक दे आर वेरी गुड रिगार्डिंग द फिल्म। मैं ये बिलीव करता हूँ कि जो आप खुद कैरी कर सके वही स्टाइल होता है। अगर समझो अगर कल एक ट्रेंड निकला कि तो छोटे छोटे चश्मे पहनो, तो वो मेरे पर फिट नहीं होगा, क्योंकि मेरा फेस बहुत ही ब्रॉड है, तो आई हैव टू वेयर एविएटर्स, यू नो, वैसा एग्जांपल। तो आई थिंक व्हाट यू वेयर एंड हाउ यू कैरी इट इज़ व्हाट स्टाइल इज़, क्योंकि आप जो पहनेंगे आप कॉन्फिडेंट रहेंगे उसमें, और फिर लोग आपको देखेंगे एंड सो ऑन एंड सो ऑन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। देखो सबसे पहले तो फिल्म की बात करते हैं, जोर लगा के नहीं है, किस तरह की फिल्म को क्या लगता है कितना इम्पोर्टेंट है? सर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म है आजकल के ज़माने में, बिकॉज़ आज जो नेचर में जो आज जो झाड़ों के साथ जो हो रहा है, आज जो ग्लोबल वार्मिंग हम सब जो सुन रहे हैं, आई थिंक ये सब हमारे ही कारखान है, और हमें एक्शन लेना आज इसी वक्त ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आज हम कुछ नहीं करेंगे तो कल कुछ रहेगा नहीं। तो इस फिल्म में वो मैसेज है कि सेव द ट्री राइट नाउ, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज आजकल के ज़माने के लिए। जी आप तो जानते हैं मिथुन जी, मिथुन हमेशा एक न्यू किरदार प्ले करते हैं, जहाँ जो भी रोल करते हैं हमेशा न्यू करते हैं, और जैसे आप देख रहे हैं इसमें उनका लुक पूरा अलग है। एंड ऑफ कोर्स उनके जितने भी फैंस हैं, जितनी भी ऑडियंस आके इस फिल्म को देखेगी, उन्हें उनका किरदार बहुत अच्छा लगेगा, उनकी परफॉर्मेंस एज ऑलवेज बहुत ही अच्छी लगेगी। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो फिल्म के जो गाने हैं वो वेरी सिचुएशनल, ऐसा नहीं है कि हाँ बस गाने डालने तो गाने आ गए। इट्स अ वेरी सिचुएशनल सॉन्ग्स, और जितने भी गाने हैं बहुत मेलोडी हैं सब में। जैसे आपने देखा मैं टाइटल ट्रैक मेरा फेवरेट है इस गाने फिल्म में, एंड आई थिंक दे कम ओनली जब फिल्म में गाने की ज़रूरत है। डांस के लिए जाने जाते थे, इस टाइटल सॉन्ग में भी मिथुन जी में डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, अगर आपने उनका डांस देखा तो क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहूँगा कि मिथुन दा विल ऑलवेज बी मिथुन दा, क्योंकि जब भी उनका डांस देखता हूँ मैं चुपके से साइड में खड़ा हो जाता हूँ, क्योंकि आज भी मुझे उनसे उतना ही कॉन्फिडेंस जितना बचपन में था, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती इटसेल्फ इज़ अ कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज। आप जो भी बोले वो करते। तो आज जैसे आपने देखा अभी कि उनकी म्यूज़िक वीडियो में उनका अपना एक डांस का स्टाइल है जो कोई नहीं कर सकता। तो आई थिंक मिथुन दा विल ऑलवेज बी मिथुन दा। आपने भी काफ़ी वेट लूज़ किया है, बिल्कुल अलग अंदाज में नज़र आ रहे हैं, तो कोई अपकमिंग फिल्म के लिए? इसमें 2-3 रीजंस है। पहले यस ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा एक अपकमिंग फिल्म के लिए, फिल्म के बारे में मैं जितना कम बोलूँगा अभी उतना अच्छा है, सरप्राइज़ रखना चाहता हूँ। और उसके अलावा आई थिंक आजकल का ट्रेंड ही है कि आप जितने पतले हैं, जितने आपके 6 पैक्स हैं, जो आपके बालों का लुक है, जो आपके फेस का लुक है, आई थिंक वो आज बहुत मायने रखता है, क्योंकि अगर आप में टैलेंट है और अगर आप में लुक्स नहीं है तो आज आप बिकोगे नहीं। That's the way the world is। आजकल का जो ज़माना है आई थिंक उसके साथ ही मैं ट्रेंड में जा रहा हूँ, इसलिए मैं एक साल चुपचाप रहा, सोचा कि नहीं पतला हो गया वापस आऊँगा आपके सामने, इसलिए आपके सामने अभी। थैंक यू सो मच।